अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 21 के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या इसका दूसरा नाम है डीएनए प्रोफाइलिंग। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? It is also called restriction analysis. कि इसको हम restriction analysis भी कहते हैं। अब ये DNA fingerprinting क्या है और कैसे हम इसको study करते हैं? तो every individual have unique genetic makeup. कि हर इंसान के अंदर, हर organism के अंदर जो genetic makeup है वो different है। और ये जो study है, ये जो comparative study है, ये हम फिंगरप्रिंटिंग को ही इस यहाँ पे प्रिंसिपल के तौर पे लेते हैं ताकि हम उनको जो है वो डिफरेंशिएट कर सकें। जेनेटिक मेकअप कंसिस्ट ऑफ, अगर हम जेनेटिक मेकअप की बात करते हैं, रिसेंटली हमने बात की कि जेनेटिक मेकअप तमाम इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। तो ये जेनेटिक मेकअप ही क्या है? अगर हम इसको देखें तो जो हमारे पास सबसे बड़ी इकाई है इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम को अगर मजीद हम अनबाइंड करें या इसके मजीद पार्ट्स को देखें तो वो क्रोमेटिड है, अगर मजीद उसको देखें तो वो फिर क्रोमाटन मटेरियल है, फिर सोलेनॉइड फाइबर है, न्यूक्लियोसोम है, डीएनए है और जीन है। जीन जो है वो जेनेटिक मेकअप की इकाई है, बेसिक यूनिट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम जीन को इस्तेमाल करते हुए ही फिंगरप्रिंटिंग को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। फिंगरप्रिंटिंग को अगर डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। It is a technique is based on identification of nucleotide sequence. कि nucleotide sequence को की identification की बुनियाद पे study करना कि different organism के अंदर मौजूद nucleotide की sequence और जो numbering है उसको देखते हुए अगर हम comparative study करें तो ये जो हमारे पास technique होगी ये DNA fingerprinting होगा। Nucleotides in humans की बात करते हैं या genetic makeup in humans की बात करते हैं तो near about 99.9% जो है वो सेम होता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म या तमाम इंसानों के अंदर, और जो रिमेनिंग 0.1% होता है वो डिफरेंस होता है। अब हम इस 0.1% डिफरेंट जेनेटिक मेकअप की बुनियाद पे हम डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो इंसान हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये डिफरेंस क्या कहलाता है? दिस डिफरेंस इज कॉल्ड VNTR। ये VNTR क्या है अगर हम इसको मजीद एलेबोरेट करें तो VNTR is the abbreviation of variable number of tandem repeat। कि ये different sequence के repeated number हैं। अब possible है कि जो VNTR हैं वो large हों, की तादाद ज्यादा हो, वो ज्यादा बार repeat हो रहे हों, या ये भी probability है कि ये जो VNTR हैं उनकी जो तादाद है वो कम हो, मतलब कम नंबरों में वो repeat हो रहे हों। अगर VNTR को मजीद देखें तो दे आर रिपीट सीक्वेंस ऑफ 20 to 100 बेस पेयर, के जो जनरली हम देखते हैं वो 20 से 100 बेस पेयर की रिपीट सीक्वेंस को ही स्टडी करते हैं। इट इज स्टडी बाय ए वेमन एंड आर वाइट 1980, कि 1980 के अंदर दो साइंसदानों ने इसको स्टडी किया था और सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था। अब इस VNTR को अगर हम देखें तो ये किस तरह से जो है वो हेल्पफुल है लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंसानों के अंदर मौजूद जेनेटिक मेकअप को कंपेयर करने में। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिविजुअल हैविंग सेम सेट ऑफ VNTR इज 1 in 300 मिलियन, के 300 मिलियन लोगों के अंदर सिर्फ दो लोगों के अंदर ये एबिलिटी है कि उनके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है, जो VNTR है, वो सेम हो। बाकी जितने भी लोग होंगे वो एक दूसरे से अगर कंपैरेटिव देखें तो वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। ये VNTR क्या है? अगर हम VNTR को देखें तो VNTR इज यूनिक आइडेंटिटी। ये VNTR एक यूनिक आइडेंटिटी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हर इंसान की जो VNTR है वो डिफरेंट होती है। VNTR इज बेसिक ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। VNTR फिंगरप्रिंटिंग का भी एक बेसिक रूल है, एक बेसिक प्रिंसिपल के तौर पे इसे हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने VNTR जो है वो मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, VNTR वेट प्लस सीक्वेंस वेट। तो इससे भी हम VNTR को मालूम कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ फिंगरप्रिंटिंग की, कि फिंगरप्रिंटिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स को हम यूज करते हुए हम किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है वो है डीएनए आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन में सबसे पहले हम उस जो हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसे हम क्राइम पॉइंट भी कह सकते हैं, वहां पे जाते हैं और वहां पे जाने के बाद मौजूद जो डीएनए का मटेरियल होता है उसे फाइंड करते हैं। इन तमाम स्टेप्स को हम बारी बारी एलेबोरेटिव वे से बात करेंगे इसके बारे में, अभी सिर्फ इनके नाम देखते हैं। जो सेकेंड स्टेप है वो है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। जो थर्ड स्टेप है वो है डीएनए फ्रेगमेंटेशन। जो फोर्थ है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो पांचवा स्टेप है हमारे पास वो है साधारण ब्लॉटिंग या हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद जो लास्ट वन है वो है फोटोग्राफी या डॉक्यूमेंटेशन। अब हम हर स्टेप को अच्छे से और एलेबोरेटिव वे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो डीएनए आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन में क्या है कि सबसे पहले हम क्रिमिनल पॉइंट पे जाते हैं कि जहां पे कोई भी क्राइम हुआ है। सपोज हम यहां पे एक एग्जांपल को लेके चलते हैं ताकि सारी सीक्वेंस को समझने में आसानी हो। हम ये कहते हैं कि किसी भी जगह पे मर्डर हो जाता है, तो सबसे पहले हम उस मर्डर वाली जगह पे जाएंगे। जाने के बाद हम जो डेड बॉडी होगी उसके अराउंड चीजें सर्च करेंगे, हम एविडेंस तलाश करेंगे ताकि उन एविडेंस से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकें। और वो एविडेंस को हम मतलब कौन कौन से एविडेंस जो है वो वहां से कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारी मोर प्रायोरिटी होगी वो हेयर होंगे, और हेयर भी वो जो रूट हेयर हों। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि रूट हेयर के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होगा, जेनेटिक मेकअप मौजूद होगा, जो कि हमारा जो है एक की पॉइंट बनेगा। उसके बाद हम ब्लड को देखते हैं और ब्लड में भी सिर्फ WBC को ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। रेड ब्लड सेल को हम यहाँ पे कलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। या उसके अलावा कोई बॉडी टिश्यू लाइक स्किन टिश्यू हमें मिल जाते हैं तो उनको देखेंगे। अगर ये रेप केस है तो फिर हम सेमन को वहां से कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे या सलाइवा को देखेंगे। अगर हम इन सारी चीजों में से किसी भी एक चीज को या एक से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं तो इनमें से जो हमारे पास बिल्कुल वाजे होगा उनमें से एक सैंपल को ले लेंगे, चाहे वो ब्लड हो चाहे वो रूट हेयर हो, तो उनको हम अपना सैंपल मानते हुए हम उससे आगे काम स्टार्ट करेंगे। हम डीएनए को उससे आइसोलेट करेंगे। अब डीएनए आइसोलेशन के लिए अब हमें पता है कि जो स्टार्ट में एविडेंस मिला है वो बहुत कम मिकदार में होगा, उसके अंदर जो मौजूद डीएनए होगा वो बहुत कम मिकदार में होगा, बहुत कम होगा। तो अब हमें क्या करना है, डीएनए की जो मिकदार होगी उसे बढ़ाना है। तो देन हम फिंगरप्रिंटिंग के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और वो है हमारे पास डीएनए एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन से क्या मुराद है? इससे मुराद कि एम्प्लीफाई करना, मिकदार बढ़ाना। तो मिकदार बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लैब के अंदर जाएंगे और वहां पे एक टेक्निक को यूज करेंगे, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डीएनए की जो तादाद है वो बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल कॉपीज आर जनरेटेड, के बहुत ज्यादा कॉपीज हम तैयार कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास 1 ग्राम की मिकदार में, या ये कह सकते हैं एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए मौजूद हो, तो उसे हम लाखों सीक्वेंस उसी तरह की जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है रेप्लिकेशन, कि रेप्लिकेशन के थ्रू ही पीसीआर क्या करता है, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की तादाद को बढ़ाता है। अब जब हमारे पास डीएनए की मिकदार बढ़ गई है तो देन हम हमारा जो फिंगरप्रिंटिंग का नेक्स्ट स्टेप है थर्ड, उसकी तरफ चलेंगे। अब उसमें क्या है, वो है डीएनए फ्रेगमेंटेशन, के डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ेंगे, तकसीम करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे VNTR की जरूरत होगी। अब डीएनए की फ्रेगमेंटेशन कैसे होगी? डीएनए सैंपल इज सब्जेक्टेड टू एंजाइम, के डीएनए के जो हमारे पास पार्ट हमें मिले हैं, जो हमने उनको एम्पलीफाई किया हुआ है, उनको हम क्या करेंगे, एंजाइम के साथ सब्जेक्ट करेंगे। जब उन पे एंजाइम अप्लाई करेंगे तो एंजाइम क्या करेंगे, स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाके उन डीएनए सैंपल को तोड़ देंगे। और वो एंजाइम कौन से होंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। ये एंजाइम स्पेसिफिक साइट पे जाके एक्ट करेंगे और डीएनए के पीसेस को
तोड़ देंगे, इट कन्वर्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये बेसिक पॉइंट होगा, एक बेसिक पॉइंट जिसकी बुनियाद पे हम जो है कंपेयर कर सकेंगे। अगर हमारे पास डबल मेम्ब्रेन, जो ये कह सकते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, तो उसको कंपेयर करना बहुत मुश्किल होगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि उसके जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए होंगे। जब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा, तो उसके अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो फ्री होंगे, ताकि उसके जो रिलेटेड डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो आके जुड़ सकें और मौजूद जो हमारा सस्पेक्ट्स है उस तक हम पहुंच सकें। अब ये डीएनए कन्वर्ट हो जाएगा आरएफएलपी में। ये आरएफएलपी क्या है? अगर हम इस आरएफएलपी की बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये इसका जो है एब्रीवेशन है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा तादाद में डीएनए के फ्रेगमेंट बन जाते हैं और वो फ्रेगमेंट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। डीएनए विल बी डिफरेंट इन लेंथ। अब अल्टीमेटली जो डीएनए टूटा है उनकी जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी, और यहाँ पे हम वीएनटीआर को ही देख रहे हैं। तो देन हम क्या करते हैं, जब हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट तैयार हो जाते हैं वो भी सिंगल स्टैंडर्ड, तो देन हम अपने जो फिंगरप्रिंटिंग का नेक्स्ट स्टेप है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसकी तरफ चलते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये जो इलेक्ट्रो है ये करंट को रिप्रेजेंट करता है और जो फोरेसिस है वो मूवमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से मुराद कि अगर हम करंट पास करें, जेल में से करंट पास करें, तो क्या करेगा, वो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे उनको मूवमेंट पे मजबूर कर देगा। वो क्यों मजबूर करेगा उसकी भी हम आगे बात करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड ऑन देयर बेसिस ऑफ साइज यूजिंग एगरोस जेल, के जो फ्रेगमेंट्स का साइज होगा वो उन साइज की बुनियाद पे जेल के अंदर मूवमेंट शो करेंगे। वो क्यों शो करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए है, डीएनए के बेसिक जो पार्ट होते हैं उनको देखें तो वो तीन होते हैं, एक पेंटोज शुगर होती है, दूसरी नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है, और जो तीसरी होती है वो फास्फेट होती है। अब फास्फेट के ऊपर नेगेटिव 3 चार्ज होता है, तो हम कलेक्टिवली ये कह सकते हैं कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो जब हम करंट नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करवाते हैं तो ये डीएनए भी लाजमी जो है वो मूवमेंट शो करता है। अब इस डीएनए की मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर साइज जिनका कम होता है या ज्यादा होता है, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, और करंट को हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ही फ्लो करवाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल वेट कंटेनिंग डीएनए मूव लार्जर डिस्टेंस देन लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, कि वो डीएनए फ्रेगमेंट जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो ज्यादा होगा वो कम फासला तय करेंगे, बनिस्बत की उन मॉलिक्यूल के जिनका जो वेट होगा वो लाइटर होगा, वो कम वेट वाले होंगे। उसकी वजह ये है कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उनको ज्यादा रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, उनको ज्यादा आगे रेजिस्ट मिलेगी, क्योंकि जेल से पास होना है तो अल्टीमेटली ज्यादा साइज होगा तो उनको जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस ही फेस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनकी उनके अंदर मूवमेंट तो शो होगी, वो मूव तो करेंगे, बट जो छोटे मॉलिक्यूल हैं उनकी निस्बत कम मूवमेंट शो करेंगे, और इस तरह से हम इनको कंपेयर कर सकेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो है सॉदर्न ब्लॉटिंग। अब सॉदर्न ब्लॉटिंग के अंदर क्या करते हैं, इसका जो अब इसके अंदर जो पहला स्टेप है डीएनए फ्रेगमेंट ऑब्टेन ऑन जेल, कि जब हमारे पास जेल के ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट मौसूल हो गए हैं, हमें मिल गए हैं। अब एक और बात यहाँ पे बताता चलूं कि जो जेल होती है वो फ्रेजाइल होती है, वो बहुत आसानी से टूट जाती है, उसको हम ज्यादा देर तक महफूज नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए साधारण ब्लॉटिंग को यूज करते हैं। अब साधारण ब्लॉटिंग के अंदर नायलोन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेलुलोज, इन पेपर को हम इस्तेमाल करते हैं। ये पेपर क्या करते हैं, अब इन पेपर के अंदर एबिलिटी है कि ये आसानी से उस जेल के अंदर मौजूद जो डीएनए के फ्रेगमेंट मौजूद हैं उनको सक कर लेते हैं,
वो डीएनए के फ्रेगमेंट इन पेपर के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं और ऑल जेल आर फ्रेजाइल एंड वीक, सो साउदर्न ब्लॉटिंग इज डन, इसलिए हम साउदर्न ब्लॉटिंग को यूज करते हैं। डीएनए हैज मोर एफिनिटी फॉर नायलोन और नाइट्रोसेलुलोज, के डीएनए के अंदर ये ज्यादा वैरायटी होती है कि वो जेल पे रहे, वो जेल के रहने के, जेल के ऊपर रहने के बजाय वो नाइट्रोसेलुलोज या नायलोन की तरफ इजीली जो है वो मूव कर जाते हैं। सम वेट इज केप्ट ऑन पेपर, के इन पेपर के ऊपर थोड़ा सा वेट रखा जाता है ताकि जो मौजूद डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको सक कर लें। डीएनए फ्रेगमेंट आर ट्रांसफर ऑन नायलोन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर ये ट्रांसफर हो जाते हैं। अब साधारण ब्लॉटिंग जब डन हो गई तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, अब हमारे पास यहाँ में पता है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड हैं, अब इस हाइब्रिडाइजेशन में डबल स्टैंडर्ड बनेंगे, इसकी भी हम बात करते हैं। फॉर हाइब्रिडाइजेशन रेडियो एक्टिव प्रोब इज प्रिपेयर, कि हमें रेडियो एक्टिव प्रोब चाहिए, प्रोब जो है वो प्रिपेयर करनी है। उसके बाद क्या करते हैं, वो प्रोब क्या करती है, दैट एबल टू शो अंडर यूवी और एक्सरे लाइट, के उन जो रेडियो एक्टिव प्रोब हैं वो इस काबिल बनाती हैं कि हम यूवी लाइट के अंदर या एक्सरे फिल्म के ऊपर जो है उनको देख सकते हैं। बैंड इज फ्लोटेड विद प्रोब, के बैंड के ऊपर जो है वो फ्लो करवाया जाता है। कन्वर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अब यहाँ पे वही बात आ गई कि पहले जो डीएनए मौजूद था वो सिंगल स्टैंडर्ड था, अब हमारे पास जो सस्पेक्ट्स थे वो तीन थे सपोज, अब तीनों के डीएनए के साथ जब हम मैच करवाएंगे अब उनके भी सिंगल स्टैंडर्ड होंगे, तो पहले से मौजूद जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास जो कंट्रोल ग्रुप का था, जो हमारे पास टारगेट ग्रुप का था, जब उससे कंपेयर करवाएंगे कि जिसका जिसने भी वो मर्डर किया होगा, जो हमारे पास डीएनए के ऑलरेडी जो एक सेंटर पॉइंट था उनके साथ वो इजीली बॉन्डिंग कर जाएगा, तो जो ही वो बॉन्डिंग करेगा इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा जो है सस्पेक्ट वो मर्डर है या कौन सा जो है वो क्रिमिनल है। जो एक्सेस प्रोब होगा वो वॉश आउट कर लिया जाएगा, कि जो सपोज जो दूसरे दो लोगों का डीएनए था उसको उनसे वॉश आउट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। शो द मैचिंग विद सस्पेक्ट डीएनए, कि इसने ये मैच, जो इसकी मैचिंग हुई तो हमें ये पता चल गया कि कौन कौन जो है वो सस्पेक्ट था और कौन जो है उसके अंदर वो जो क्रिमिनल इन्वॉल्व था। नेक्स्ट स्टेप जो है वो सेवन है और इसमें हम फोटोग्राफी करते हैं या डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। नायलोन मेम्ब्रेन इज केप्ट ऑन एक्सरे फिल्म, कि नायलोन मेम्ब्रेन को एक्सरे फिल्म के ऊपर रखते हैं। उसके बाद डीएनए बैंड ड्यू टू रेडियो एक्टिव प्रोब गिव फोटोग्राफिक इमेज ऑन एक्सरे फिल्म, कि एक्सरे फिल्म के ऊपर रेडियो एक्टिव प्रोब की वजह से उनका इमेज बन जाता है, डीएनए का इमेज बन जाता है। अब जो जब वो इमेज एक्सरे फिल्म के ऊपर आ जाता है तो देन क्या होता है, हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन थी, जो फोटोग्राफी थी वो डन हो गई, कि अब जो है हम इस एविडेंस को कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा जो हमने केस लिया था वो सॉल्व हो गया और इस तरह के कई केसेस जो हैं वो हम आसानी से इस टेक्निक के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसकी चंद एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये मोस्टली जो है टू सॉल्व क्रिमिनल केसेस, के जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने में ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद टू सॉल्व पेरेंटल केयर, के बाद बच्चों के ऊपर डिस्प्यूट आ जाते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर के कौन से बच्चे की कौन सी माँ है, ये इस तरह ये जो बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं या इस तरह करवाए जाते हैं, तो इनके डिस्प्यूट्स को भी हम इसी एप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। देन टू शो इंश्योरेंस क्लेम, के जो इंश्योरेंस के क्लेम होते हैं उनको भी हम इसी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। टू सॉल्व रेप केसेस और टू सॉल्व फेलोजेनी रिलेशनशिप, के जो रेप केसेस हों या फेलोजेनी रिलेशनशिप, मतलब जो एवोल्यूशनरी जो रिलेशन होता है उसके हिसाब से भी हम इसको कंपैरेटिव स्टडी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। टू सॉल्व एग्रीकल्चर साइंसेस, के एग्रीकल्चर साइंसेस के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक को, ये जो है हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस